हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंदर हम सेमीकंडक्टर डायोड लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई ट्राइड टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंक्लूडिंग द इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, देन पीएन जंक्शन डायोड, फर्मी लेवल। तो इस टॉपिक के अंदर मैं बेसिक से पूरा मैंने कवर किया है और सेमीकंडक्टर डायोड की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन पार्ट को भी इंक्लूड किया है। तो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इंजीनियरिंग फिजिक्स और साथ साथ में बीएससी फिजिक्स दोनों के ही क्यूरिकुलम का पार्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड लेजर। सेमीकंडक्टर डायोड लेजर की बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड अपीरेंस, साइज भी बहुत छोटा है, एंड इट इज़ सिमिलर टू ए ट्रांजिस्टर। आपने डायोड पढ़ा है, आपने ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, NPN, PNP ट्रांजिस्टर। सो दिस सेमीकंडक्टर डायोड लेजर लुक्स लाइक ट्रांजिस्टर, जैसा कि आपने फर्स्ट पिक्चर में इसको देखा है, एंड हैज़ द ऑपरेशन लाइक लाइट इमिटिंग डायोड। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसमें है। So the semiconductor laser is very small in size and appearance, and it is similar to a transistor and has the operation like LED. LED की तरह क्यों है? क्योंकि colored light emit होती है, but the output beam has the characteristics of laser light. पर ये जो light emit होती है वो coherent light होती है। So this is very special thing about this semiconductor diode laser. ये साइज में बहुत छोटा है, दिखने में ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है और ऑपरेशन इसका एलईडी जैसा है, लेकिन आउटपुट जो है उसका वो लेजर लाइट होता है। तो इस सेमीकंडक्टर डायोड लेजर को हम एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन बना देते हैं इसकी। अगर डेफिनेशन फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें, सो सेमीकंडक्टर डायोड लेजर इज ए स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड तो है ही, बट स्पेशली फैब्रिकेटेड। स्पेशली फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम इसको हैविली डॉप करेंगे, दैट इमिट कोहरेंट लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। सो सेमीकंडक्टर डायोड लेजर के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक तो उसका जो डॉपिंग है वो हैविली होता है, दूसरा इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। सो यू कैन डिफाइन सेमीकंडक्टर डायोड लेजर, सेमीकंडक्टर डायोड लेजर इज ए स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन दैट इमिट कोहरेंट लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो यहां पर कुछ वर्ड्स जो आए हैं उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला वर्ड जो आया आपका वह सेमीकंडक्टर। तो पहले हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डायोड, देन वी विल डिस्कस स्पेशली फैब्रिकेटेड, और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के। तो सारे पॉइंट्स को मैंने इस लेक्चर में कवर किया है, तो एक एक पॉइंट करके हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो अगर आप मटेरियल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो आप उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है आपकी कंडक्टर, देन सेकेंड कैटेगरी इज बेसिकली द इंसुलेटर, एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स, इन तीन बेसिक टाइप जो कैटेगरीज हैं मटेरियल की, इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड गैप, वी कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी। तो अगर आप कंडक्टिविटी के ऊपर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड मेटल्स। तो आप ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। सो इट इज़ बेसिकली इंटरमीडिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड मेटल्स। नाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, अगर आप सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है, लेकिन
कंडक्टर्स या जो मेटल्स होते हैं, अगर इनका टेम्परेचर राइज करवाया जाए तो इनकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है. सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वेयर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज स्लोली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ये एक डिपेंडेंस है कंडक्टिविटी की टेम्परेचर के साथ. नाउ वी कैन क्लासीफाई द सेमीकंडक्टर्स. तो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये हो सकता है कि वी कैन क्लासीफाई सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी. इसके अलावा आप उनको बैंड गैप के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर हम इम्प्योरिटी के बेस पे इसको क्लासीफाई करें तो जब ये प्योर फॉर्म में अगर सेमीकंडक्टर को हम यूज करते हैं देन इट इज बेसिकली नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो प्योर फॉर्म में बात करें सेमीकंडक्टर्स में तो हमारे पास एग्जाम्पल है जर्मेनियम और देन सिलिकन. ये दोनों एक ही ग्रुप के होते हैं. तो अगर प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया जाए तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर और दूसरे हमारे होल हैं जो चार्ज कैरियर्स हैं, तो प्योर फॉर्म में जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं तो दोनों चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, दैट मीन्स एन ई इक्वल्स टू एन एच. लेकिन अगर आप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर डोपिंग कर देते हैं तो अब ये बन जाते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब डोपिंग कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है. अगर आप फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं तो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट दैट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं तो पेंटावेलेंट में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. अगर ये एलिमेंट्स आप सिलिकन या जर्मेनियम के अंदर डॉप कर देते हैं तो यू विल गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर. और अगर आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज के अंदर मिक्सअप कर देते हैं लाइक गैलियम है, बिस्मिथ है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, ये अगर आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डॉप करते हैं देन यू विल गेट द पी टाइप. तो हमारे पास सेमीकंडक्टर दो टाइप के हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में है और उनकी संख्या कम है. लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप डोपिंग करा देते हैं तो अगर पेंटावेलेंट ग्रुप की कराते हैं तो एन टाइप मिलता है और ट्राईवेलेंट ग्रुप की कराते हैं तो पी टाइप मिलता है. तो यहाँ पर अगर हम पेंटावेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी डालते हैं तो यहाँ पर डोनर जो इम्प्योरिटी है जो एन डी जिससे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की संख्या से ज़्यादा हो जाती है. सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. और इसकी जगह अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं देन द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी द होल्स. इस केस में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल होंगे. तो आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हैं, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा हो गया आपका एक्सट्रिंसिक. अब हम बात करते हैं कि अगर इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को बैंड गैप के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो भी ये दो टाइप के होते हैं. वन इज बेसिकली नॉन एज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स एंड अदर इज नॉन एज इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स. अब ये डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है इसको हम अलग से समझते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स. तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने ई वर्सेस के ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी को ले लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने के को ले लिया है. तो के बेसिकली जो होता है वो आपका प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट कहलाता है और आप के की वैल्यू 2π/λ से दे सकते हैं. सो के इज बेसिकली नॉन एज प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट एंड के इक्वल्स टू 2π/λ. तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंडक्शन बैंड का जो बॉटम, ये कंडक्शन बैंड है इसका ये बॉटम पार्ट है, और वैलेंस बैंड का टॉप, उन दोनों के लिए के की वैल्यू एक ही है, सेम वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अगर ऐसा होता है तो आइदर इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में
जंप डायरेक्ट होता है और इस प्रोसेस में फोनोन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। सो इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर्स द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड लाइज एट द सेम वैल्यू ऑफ के। तो अगर सेम वैल्यूज ऑफ के है तो इन दिस इलेक्ट्रॉन कैन डायरेक्टली एक्साइट और डी एक्साइट बाई द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ फोटोन। आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट कर सकते हैं या डी एक्साइट कर सकते हैं आप कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। सो देर इज नो फोनोन इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। यहाँ पर हमने इसको डायग्राम में समझाया भी है। इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन ईजी, अगर एच न्यू की वैल्यू बैंड गैप से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट टू द कंडक्शन बैंड, और अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज ये एच न्यू इक्वल्स टू ईजी है तो इलेक्ट्रॉन कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड। सो डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर्स आर यूज इन लाइट इमिटिंग एप्लीकेशन लाइक LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स एंड लेजर्स। तो यहाँ पर इनको हम कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स भी कह सकते हैं क्योंकि सिंगल सेमी कंडक्टर से ये नहीं बने होते। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड CDS, ZnS, CdSe पार्टिकल्स, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर्स के अंदर यू विल हैव ओनली फोटोन, सो देर विल बी नो एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन। क्लियर? अगर हम इसकी जगह हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उनके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बॉटम और जो टॉप हैं उनके लिए के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी के वैल्यू यहाँ आती है, सपोज ये मान लो K2 बनता है और ये वैल्यू सपोज इसकी K1 बनती है। तो वी हैव डिफरेंट के वैल्यूज फॉर द कंडक्शन बैंड बॉटम और वैलेंस बैंड टॉप। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आना है तो एनर्जी चेंज के साथ साथ उसका मोमेंटम चेंज भी होगा। सो इन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड लाइज एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। सो इफ इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड टू द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इट हैज टू चेंज इट्स एनर्जी एज वेल एज वेव वेक्टर के। तो वेव वेक्टर के किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम पे। तो वेव वेक्टर के चेंज होने का मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो जाना। सो फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोनोन इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। सो इफ देर इज डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन नॉट ऑल द एनर्जी विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन बट सम एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोनोन्स, दैट इज सम पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द लैटिस एंड द लैटिस विल वाइब्रेट एंड जनरेट हीट। तो यहाँ पर एक बात हमें सीधे सीधे समझ में आ गई है और वो ये है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें केवल फोटोन मिलता है लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर फोटोन के साथ साथ में हीट भी जनरेट होती है जो कि पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर देगी? हीट अप कर देगी। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स बेसिकली कंपाउंड सेमीकंडक्टर शो करते हैं और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम फॉस्फोरस और SiC, ये नॉट सुटेबल फॉर द लाइट इमिशन। क्यों? ये मोस्टली हीट साथ में जनरेट करते हैं इसलिए ये लाइट इमिशन प्रोसेस के लिए सुटेबल नहीं है। तो सेमीकंडक्टर लेजर डायोड बनाने के लिए वी विल प्रेफर टू यूज कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड। अब हम बात करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल की। तो फर्मी एनर्जी लेवल अगर आप इसको सीधे सीधे डिफाइन करें
सो फर्मी एनर्जी लेवल इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. तो इसको बेसिकली हम ई एफ से डिफाइन करते हैं, ई फॉर एनर्जी और एफ फॉर द फर्मी. तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल होता है दैट इज बेसिकली नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल. सो द हाइएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द वैलेंस बैंड एट जीरो केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी. तो अगर हमारा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर फर्मी एनर्जी लेवल की जो पोजिशन है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में होती है. ये हो गया आपका फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. अब जैसे ही आप इस इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग कराते हैं, अगर आप फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग कराएंगे तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, और अगर आप थर्ड ग्रुप की डोपिंग कराएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा. लेकिन जैसे ही आप डोपिंग कराते हैं फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन भी चेंज हो जाती है. तो आप देखें द एडिशन ऑफ डोपिंग एलिमेंट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर. जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स उनकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें डोपिंग करा देते हैं उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है. तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के नियरर में होता है. तो सपोज ये आपका वैलेंस बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर फर्मी एनर्जी लेवल इज नियरर टू द वैलेंस बैंड, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी एनर्जी इज नियरर टू कंडक्शन बैंड. ये जो गैप है बेसिकली इस गैप को आयनाइजेशन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं आप. यहाँ पर अभी हमें आयनाइजेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल की फॉर्म में भी जाना जाता है. तो पी टाइप के अंदर इसको हम बोल देते हैं एक्सेप्टर लेवल, और एन टाइप में हम इसको बोल देंगे डोनर लेवल. तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मिड में होता है वो डोपिंग करने से शिफ्ट हो जाता है पी टाइप मेटेरियल में वैलेंस बैंड की तरफ और एन टाइप मेटेरियल में कंडक्शन बैंड की तरफ. लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर डायोड लेजर बनाते हैं तो हम डोपिंग इतनी ज़्यादा हैवी करते हैं कि ये फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप में तो कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है और पी टाइप में ये वैलेंस बैंड के अंदर शिफ्ट हो जाता है. अब अगर आप पीएन जंक्शन बनाते हैं सो ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी साइड एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन साइड. तो जब आप पी टाइप और एन टाइप मेटल को डिफ्यूज कराते हैं और पीएन जंक्शन बनता है तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के अंदर दे विल मूव फ्रॉम एन टू पी साइड, और जो होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पी टाइप में दे विल मूव फ्रॉम पी टू एन साइड. सो जब ये दोनों टाइप के चार्जेस एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं देन दे कॉजेज द डिप्लेशन जोन एट द जंक्शन वेयर इमोबाइल चार्ज आयन कोर्स रिमेन. क्योंकि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ इस रीजन में आके रिकम्बाइन हो जाएंगे और इमोबाइल चार्ज्ड कोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिससे यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू द ऑर्डर ऑफ 10^3 to 10^5 वोल्ट पर सेंटीमीटर. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डिफ्यूजन को फर्दर डिफ्यूजन को क्या करता है अपोज करेगा. ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर के पीएन जंक्शन बना लेते हैं तो आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है अब वो इक्विलिब्रियम में दोनों साइड में कॉमन रहता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड इसका जो है वो पी टाइप है और एक साइड दूसरा इसका एन टाइप है. तो यहाँ पर हम देखें कि फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ जो है वो कंडक्शन बैंड के नियरर में है, इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका वो कैसा पार्ट है एन टाइप.
और ये जो पार्ट है इसका वो कैसा पार्ट है, पी टाइप। इसमें फर्मी एनर्जी लेवल किसके नियर में है, वैलेंस, इसको आप क्या कह सकते हो यहाँ पे ई वी, और ये है आपका ई सी। तो ये बात आई थिंक यू क्लियर हो चुकी है आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर लेजर डायोड का कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम क्या यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इसका बड़ा सिंपल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे टॉप के अंदर पी टाइप मेटेरियल लिया जाता है और बॉटम में एन टाइप मेटेरियल होता है। जहाँ पी और एन टाइप आपस में डिफ्यूज होते हैं तो ये जो आपकी लेयर बनती है इसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम, जो कि डिप्लेशन रीजन होता है बेसिकली। तो पी टाइप मेटेरियल और एन टाइप के बीच में ये आपका एक्टिव रीजन बन जाता है। और अब इस पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर मेटल कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, तो यहाँ से आप करंट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि पी एन जंक्शन डायोड पे फॉरवर्ड बायस लग जाता है। इस सेमीकंडक्टर लेजर डायोड के ये जो दो एंड है, ये वाले और एक बैक साइड वाला, इन दोनों एंड को हम पॉलिश्ड कर देते हैं और ये जो दो एंड यहाँ वाले हैं और ये साइड वाला जो है इसको हम बना देते हैं रफ। तो पॉलिश करने से ये एक तरह से रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। तो अगर कोई फोटोन स्पॉन्टेनियसली इमिट होता है सो दिस फोटोन विल ट्रैप इन दिस रेजोनेटर कैविटी एंड इट विल इंड्यूस अदर एटम्स टू कम इन द ग्राउंड स्टेट। सो एक फोटोन जो स्पॉन्टेनियसली इमिट होगा वो अदर एटम को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए उनको इंड्यूस करेगा और इस तरह से उनकी संख्या मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करें सो टॉप एंड बॉटम फेसेस आर मेटलाइज्ड एंड ओमिक कॉन्टैक्ट्स आर प्रोवाइडेड टू पास करंट थ्रू द डायोड एंड द फ्रंट एंड रियर फेसेस आर पॉलिश्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द जंक्शन एंड द पॉलिश्ड फेसेस कॉन्स्टिट्यूट द फैब्री पैरेट रेजोनेटर। फैब्री पैरेट रेजोनेटर आपके इंटरफेरेंस का एक टॉपिक है जिसमें फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी पॉलिश्ड फेसेस जो मिलकर के इसको फैब्री पैरेट रेजोनेटर बना देती है एंड द अदर टू ऑपोजिट फेसेज आर रफन। ये जो ऑपोजिट फेसेज है उनको रफ कर देते हैं टू प्रिवेंट लेजिंग एक्शन इन दैट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में लेजर एक्शन नहीं हो इसके लिए इनको हम रफ कर देते हैं और बाकी दो सरफेसेस को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश्ड कर दिया जाता है। तो ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट जो कि बड़ा सिंपल है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग पार्ट के ऊपर। सो द एन टाइप मेटेरियल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विच बिहेव एज द करंट कैरियर्स इन इट्स कंडक्शन बैंड वेयर इज पी टाइप मेटेरियल हैज होल्स फॉर कैरियर्स इन इट्स वैलेंस बैंड। तो एन टाइप मेटल में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और पी टाइप मेटल के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हमारे होते हैं वो होल होते हैं। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई डोपिंग ऑन एन साइड, यहाँ डोपिंग का लेवल हाई रखा जाता है, सो द डोनर लेवल्स आर ब्रॉडेंड एंड एक्सटेंड इन टू द कंडक्शन बैंड। देखिए आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि ये एन टाइप मेटेरियल है, हैवी डोपिंग के कारण ये कंडक्शन बैंड है और फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो आपका कहाँ चला गया है, कंडक्शन बैंड में चला गया है। और अगर हम बात करें पी टाइप की तो पी टाइप के अंदर यही फर्मी एनर्जी लेवल आपका कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया है। सो बिकॉज ऑफ हाई डोपिंग ऑन एन साइड द डोनर लेवल्स आर ब्रॉडन एंड एक्सटेंड इन टू द कंडक्शन बैंड। सो फर्मी लेवल इज ऑल्सो पुट इंटू द कंडक्शन बैंड। सो अब अगर फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में चला गया है सो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द पोर्शन ऑफ कंडक्शन बैंड लाइंग बिलो द फर्मी लेवल। इससे क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक मेजोरिटी आ गई है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक तरह से आपको ये पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर मिल गया है।
सिमिलरली ऑन द हेविली डॉप्ड पी साइड फर्मी लेवल लाइज विद इन द वैलेंस बैंड एंड होल्स ऑक्यूपाई द पोर्शन ऑफ वैलेंस बैंड दैट लाइज अबव द फर्मी लेवल। तो ये जो बेसिक जो डिफरेंस है ईवी और ईएफ, इस रीजन के अंदर बेसिकली कौन आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे। सो एट इक्विलिब्रियम द फर्मी लेवल इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द जंक्शन। तो जब आप हैविली डॉप्ड पी साइड और एन टाइप जो मटेरियल है उसको डिफ्यूज कराएंगे, देन फर्मी एनर्जी लेवल जो कि कंडक्शन बैंड में है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इस कंडक्शन बैंड में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और इससे आपको क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इस पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे आपके इस डिप्लेशन जंक्शन में, देन दे विल रिकम्बाइन विद द होल्स एंड विल क्रिएट द एनर्जी दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। सो व्हेन ए फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड, अब हम इस पे डायोड पे जैसे ही फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, द एनर्जी लेवल्स आर कॉज टू शिफ्ट। सो अंडर दीज कंडीशन देर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड नियर द जंक्शन ऑन द एन साइड एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड नियर द जंक्शन ऑन द पी साइड। तो अगर आप फॉरवर्ड बायस के अंदर वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, देन यू विल गेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। सो द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइंड एंड एनर्जी इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, एट लो वैल्यूज ऑफ इनपुट, जब इनपुट वोल्टेज जो आपका कम रहेगा, दैट डिवाइस एक्ट एज एलईडी, एलईडी दैट मीन्स सिंपल लाइट इमिटिंग डायोड प्रोड्यूसिंग ए इनकोहरेंट लाइट फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ बायसिंग वोल्टेज। एट अ थ्रेशोल्ड वैल्यू where the population inversion is large enough so that gain by stimulated emission can overcome the losses। तो अगर आप इस डायग्राम से इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि heavily doped PN junction forward biased, और लास्ट का जो डायग्राम आप इसमें चेक करें, heavily doped PN junction without bias। तो without biasing ये कंडीशन रहेगी, जैसे हम biasing करेंगे तो पॉजिटिव या फॉरवर्ड बायस जब आप इसको लगा देंगे तो यू विल गेट द विड्थ ऑफ द कंडक्शन बैंड इज नाउ मोर कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो आप यहां देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में यहां पर विड्थ कम है, और जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस लगाया कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की ये जो संख्या है वो बढ़ जाती है, और यही इलेक्ट्रॉन जब होल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो स्टार्टिंग में दे विल प्रोड्यूस इनकोहेरेंट लाइट, बट आफ्टर ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू यू विल गेट द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन विल ओवरकम द स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन दिस वे यू विल गेट द लेजर लाइट यूजिंग द सेमीकंडक्टर लेजर डायोड। आई होप यू गॉट द क्लियर द आइडिया how the semiconductor laser diode basically works। अब हम कुछ application part laser की in general discuss कर लेते हैं। So the lasers have widespread applications in the industry, surgery, entertainments, and the amount of products that can be developed using laser continues to grow all the time। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे लेजर का यूजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मेजर सेक्टर जिनके अंदर एप्लीकेशंस है लेजर की, उनमें आप इंडस्ट्री को शामिल कर सकते हैं, आप मीडिया को शामिल कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर आप लेजर को आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, आप लेजर वीपन्स के रूप में यूज कर सकते हैं। मीडिया के अंदर आप टेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर है कहीं से प्रिंट करना है, पब्लिश करना है, तो यू कैन ट्रांसफर डेटा बाय यूजिंग दिस लेजर।
देन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और मेडिकल फील्ड के अंदर सर्जरी या ऑपरेशंस करने के लिए लेजर को यूज किया जाता है, जैसे कि किडनी का ऑपरेशन है, आजकल लेजर लाइट को यूज करके भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं यूज? क्योंकि लेजर लाइट हाईली कोहरेंट होती है, हाईली इंटेंस होती है, और आप इसकी पावर भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट कटिंग यू कैन डू द ऑपरेशंस। मिलिट्री के अंदर भी आजकल यूज होता है इसका। एडवांस वेपन्स आप लेजर को यूज करके बना सकते हैं। इवन मार्केट में आप बहुत फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। एनवायरनमेंट स्टडी को करने के लिए भी लेजर का यूज कर सकते हैं। साथ साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन या जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहाँ पर भी हम लेजर लाइट का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज द रिकॉर्डिंग होलोग्राम। अगर आपको 3D इमेज के अंदर रिकॉर्डिंग करना है देन यू नीड द हाईली कोहरेंट सोर्स और लेजर सोर्स। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द लेजर लाइट। यू कैन यूज लेजर इन सम अदर फील्ड्स, उनको हम यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर लेजर डायोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।